ठीक है, पूरा ही लिया है ना।
आपका गेटअप भी एकदम आ जाता है। हाँ, अक्सर आप जब भी मिलते हैं तो एक्शन के लुक में होती हूँ। आज मैं टिपिकल इंडियन वाइफ के लुक में हूँ, क्योंकि स्टोरी की डिमांड है। हमसे बढ़कर कौन, टाइटल से ही पता चलता है कि एक्शन और ड्रामा टाइप की फिल्म होगी। आज जो सीन हम शूट कर रहे हैं, मेरे पति इंस्पेक्टर हैं और मैं उनका वेट कर रही हूँ घर पे। आते हैं, थोड़ा सा रोमांटिक सीन होता है, तो इस वजह से वाइफ वाले किरदार। तो एक किरदार किस तरह से है और आगे चल के अलग क्या रूप लेने वाला है? काफ़ी शेड्स हैं इस किरदार में। प्रिया है नाम कैरेक्टर किरदार का। पहले एक वाइफ है, उसके बाद जब उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटती है जिस वजह से उसको चेंज ओवर लेना पड़ता है, उसका लुक, मेरा लुक भी चेंज हो जाएगा, और फिर विन के साथ कुछ टेंशन चलती है जिससे मुझे रिवेंज लेना होता है उससे, तो कई सारे शेड्स मेरे देखने को मिलेंगे। मतलब जो फिल्म में पब्लिक को एक बात देती है आपके एक्शन दीवाने, इसमें भी वो रहेगा ही रहेगा, वो घुमा के मैं वही पहुंचूंगी। एक्शन तो करूंगी और बहुत कमाल का एक्शन होने वाला है इस बार। इसमें फिल्म का निर्माता धीरज जी हैं, तो पापा क्रमहंस जी भी इंडस्ट्री जुड़े हुए हैं, और अभी जो है एज ए निर्माता इसमें धीरज सिंह जी, क्या कहना चाहिए? अब काफी अच्छा लगा जब उन्होंने बताया कि उनके फादर भी काफी पहले से इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक बहुत, आप देख रहे होंगे चारों तरफ बहुत ही कंफर्टेबल जोन में लोग हैं, आर्ट मेकर टेक्नीशियंस तक, तो ही इज वेरी नाइस प्रोड्यूसर। बस यही बचा। और मुन्ना लाल शाह जी भी फिल्म को इकबाल जी कर रहे हैं। इकबाल जी के साथ दूसरी फिल्म है। पहली फिल्म में हम इकबाल जी, मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छे एक्टर हैं। जब उन्होंने मुझे सब्जेक्ट सुनाया तो मैं उनको मना नहीं कर पाई। फिल्म से अगर मैं जुड़ी हूँ, कहीं ना कहीं इकबाल जी का बहुत ज़्यादा श्रेय है। और मुन्ना लाल से मुन्ना जी ही आए थे मुझे साइन करने के लिए। ही इज़ वेरी गुड मैन, बस स्वीट टाइप के हैं। और उन्होंने भी कहा कि रानी आप ये फिल्म कीजिए, मेरी तो फिल्म नहीं बनेगा। बस इसी बात में मैंने कहा ठीक है, तो करनी थी। इसमें आपके जिस तरह सीन चल रहा है जी, आपके तो क्या कहना चाहेंगे सीन का? अविनाश जी के साथ मैंने पहले भी काम किया है। अविनाश के साथ एक फिल्म मैंने की थी, याद नहीं आ रहा नाम, एक फिल्म मैंने की रिलीज नहीं हुई है। अविनाश बहुत अच्छे एक्टर हैं, आज उनको बहुत दिनों बाद मिलकर उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। और जो कि इसमें कई हीरो ने तो है, लेकिन इसमें हीरो की बात की जाती है तो रावड़ी रानी में भी आपके साथ है, तो क्या कहना चाहेंगे? इस बार अमरीश मेरी जोड़ी नहीं है इस फिल्म में। अमरीश की जोड़ी उन पांचों लोगों के साथ है, के साथ उनका अलग से लव एंगल चल रहा है, क्योंकि मेरी अविनाश बने हैं तो मेरा एक अलग ही ट्रेजेडी वाला चल रहा है, वो का लव एंगल चल रहा है, तो फिल्म में है ये मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे को एक्टर हैं। दर्शकों के लिए क्या कहना चाहिए? जो हमेशा कहती हूँ दर्शकों के लिए, लोग मेरी फिल्में हमेशा देखते हैं, हमेशा उससे मेरे किरदार को पसंद करते हैं। इस फिल्म को भी देखिए, हमसे बढ़कर कौन, इसमें नारी शक्ति आप लोगों को नजर आएगी। मेरे साथ भी नारियां हैं जो मेरे साथ खूब जमकर देखने वाली, तो आप लोग इस फिल्म जरूर देखिए। बात करें चलते चलते, अभी 5 सितंबर को रावड़ी रानी आपकी फिल्म, जिसमें आप 3 अलग अलग भूमिका पब्लिक के एंटरटेनमेंट के लिए, क्या कहना चाहेंगे 5 को रिलीज़ 5? ऑडियंस में और लोगों में बहुत क्रेज है रावड़ी रानी को लेकर। जब हम लोग फिल्म की शूटिंग भी कर रहे थे, खुद ही वो हैंगओवर नहीं होता रावड़ी रानी का, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आएगी।